मार्स इस प्लैनेट के बारे में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह यही है जो कि हम इंसानों को अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने का एक जगह हो सकता है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारे इस अर्थ पर ना जाने कितनी तरीके से तबाही हमेशा आते रहती है और आएंगी भी, और हम इंसानों के द्वारा भी कितना सारा प्रॉब्लम ये अर्थ झेल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लगातार हो रहा है जिससे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और भी कई सारे ऐसे मुसीबतें जो कि हम ह्यूमंस के द्वारा भी हो रहा है और नेचुरल थिंग्स भी हो सकती है। सो अब यहाँ पे बात आती है कोई ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन की जहाँ पे हम जाके रह सकते हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज को बसा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा हमारे इस सोलर सिस्टम के मार्स ग्रह की, क्योंकि इसके लगभग साइज, वेट और एवरीथिंग हमारे अर्थ जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ भी है जो कि हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और इसके ऊपर रहने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में आखिर कौन कौन से वो चीज़ है जो हमारे अर्थ से बिल्कुल अपोजिट है और वहाँ पे कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। वीडियो को कर दीजिए अभी से ही लाइक, और चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेम्परेचर के बारे में, तो हमारे इस अर्थ का एवरेजली टेम्परेचर है लगभग 25 से 30 डिग्री या तो इसके आसपास ही, लेकिन अगर मैं मार्स के टेम्परेचर की बात करूँ तो उसका एवरेज टेम्परेचर है -80 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। और उसके बाद हमारे अर्थ का एटमोसफेयर, यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे लिए प्रोटेक्टेड एटमोसफेयर है, यहाँ के एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है, उसके बाद चारों तरफ ऑक्सीजन है जिससे हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत वहाँ पर पॉइजन कहे जाने वाले गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा उसका एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। और उसके बाद वहाँ की ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जहाँ पे हमारे अर्थ की ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहाँ पर मार्स की ग्रेविटी 3.71 मीटर पर स्क्वायर है। इसका मतलब मार्स की ग्रेविटी हमारे अर्थ से लगभग सिर्फ 38% ही है, यानी कि अगर आप मार्स पर जाते हो और वहाँ पे एक जोर का छलांग लगाते हो तो आप लगभग 4 फीट के ऊँचा उछल जाओगे। अब सोचो रोनाल्डो भैया इसमें कितना ज़्यादा उछल सकते हैं, मुझे कॉमेंट करके अपनी ये राय जरूर से देना। अब हमारे अर्थ का एक दिन होता है जैसे कि 24 घंटे और कुछ मिनट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से मार्स पे भी लगभग 24 घंटे के बराबर ही एक दिन होता है, लेकिन जैसा कि हमारा अर्थ के ऊपर एक साल लगभग 365 या 366 डेज का होता है, वहाँ पर मार्स का एक साल 687 डेज का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये फ़र्क इसीलिए है क्योंकि हमारे अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा स्लो ऑर्बिट करता है सन को। उसके बाद वहाँ पे पानी और फूड्स का समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी प्लांट्स नहीं है जैसा कि हम अर्थ पर देखते हैं, वहाँ पे हमें खुद से प्लांट्स लगाने पड़ेंगे कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से। और अगर हमें वहाँ पे एकदम खुले में रहना है जिस तरीके से अभी हम अपने अर्थ पे रह रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उसके पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो वो एटमॉस्फेयर तो हमारे लिए पूरी तरीके से खारिज है, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहां पे या तो क्रिएट करना पड़ेगा या तो नेचुरली हो जाए। अब घबराने की बात ये नहीं है कि अब हम लोग वहाँ पे अपनी बस्ती नहीं बसा सकते, बल्कि एक दूसरा ऑप्शन भी है कॉलोनाइजेशन का। कॉलोनाइजेशन यानी कि हम मार्स के ऊपर ऐसे बड़े बड़े घर जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हर चीज़ की व्यवस्था होगी, यानी कि ऑक्सीजन, फूड्स, वाटर और एवरीथिंग जो चीज़ हमें चाहिए। और अगर हमें बाहर निकलना होगा तो हमें कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन मास्क पहन के मार्स के ऊपर निकलना होगा। वेल, आप लोग का इसके ऊपर क्या राय है, कि आप लोग मार्स के ऊपर जाना चाहते हो, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और हाँ, मार्स को अपने अर्थ जैसे ट्रांसपोज करने के लिए एलन मस्क भैया भी कुछ सोचे हैं, यानी कि वो भी अपनी एक राय दिए हैं कि इस तरीके से मार्स का एटमॉस्फेयर भी अर्थ जैसा बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और आप लोग यहाँ पे साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दे।